ये है aizecoverage.com। ये हैं भोपाल की मध्य सीट के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार भी उन पर ही भरोसा जताकर मैदान में उतारा है। सुरेंद्र नाथ सिंह अपने जनसंपर्क अभियान में कोशिश कर रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुँच सकें। तेज कवरेज से बातचीत में वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हैं। इन 5 वर्षों में वैसे तो मैंने हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ रोडें अच्छी नहीं थी, आज की तारीख में सब जगह रोड अच्छी है, एक तो जो छोड़ दें अपन, और वो भी बची इसलिए है कि मेरे बहुत सारे काम जो है उसका वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाया था, वो काम हो जाएगा। एक मैंने बहुत बड़ा काम ये किया कि साहब ये अपना रसीदिया स्कूल है जो जहांगीराबाद में, वहाँ 4-6 स्कूल थे कैंपस के अंदर, पानी टपकता था, बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ रोड वगैरह थी नहीं, वहाँ 13 करोड़ रुपये लागत से एक भव्य स्कूल वहाँ बन रहा है, लगभग बन ही गया है, मतलब मेरे ख्याल से इसी शुरू होगा, आप महीने 2 महीने में जो है उसकी बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे अपन। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी समस्या सीवेज की है, नालों की है, नाले जो जर्जर हो चुके हैं, सभी नालों को ठीक कराए, इसके लिए मैंने प्रस्ताव बनाया है। और अभी जो है शाहपुरा के आसपास पूरा सीवेज नेटवर्क ठीक हो, उसके आसपास के और कॉलोनियों के अंदर भी, उसके लिए काम शुरू हो गया है करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से। साथ ही साथ जो नाले हैं, जैसे 12 नंबर का नाला है जर्जर हो गया, टूट फूट हो गया है, 6 नंबर का नाला है, जद्दा कब्रिस्तान जो जहांगीराबाद में है वो है, पटेल नगर में नाला है, इनके लिए जो है मैंने करीब 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं और वो काम भी चल रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर ही काम पूरा हो, काम चल रहा है, मतलब शुरू हो गया काम। इसके अलावा जो है हमारे क्षेत्र में जो है जितने पार्क हैं, पहले पार्क जर्जर हालत में थे, वहाँ बाउंड्री वाल नहीं थी, कहीं फेंसिंग नहीं थी, या पार्क थे मगर देख रेख नहीं होती थी, ऐसे पार्कों में हमने हर जगह जो है एक प्रेफर्ड ट्रैक बनाने की मंजूरी दी है। साथ ही साथ वहाँ ब्यूटिफिकेशन हो, झूले लग जाएं, कुछ इक्विपमेंट जो है हेल्थ के, ओपन जिम जैसा है वो हमने बनाने का प्रयास किया है और वो कर रहे हैं उसको। इतवाड़ा के पास अपन जाते हैं तो वहाँ मछली मार्केट है, साथ ही साथ वहाँ इस्लामपुरा से निकलते हैं तो पूरे लाइन से मीट की दुकानें हैं, जिसकी वजह से उस एरिए से मेन रोड होने के बाद भी निकलने में लोग परहेज करते हैं, बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने जो है उस पूरी जगह को शिफ्ट कराने का प्लान बना दिया है, वो उसके लिए जगह आवंटित हो गई है। अपना लेडी हॉस्पिटल के पास जो है 5 एकड़ ज़मीन है मछली फार्म की, वो जगह आवंटित हो गई है, पूरा वहाँ कबाड़ मार्केट बना देंगे और यहाँ पर जो है चौड़ी सड़कें कर देंगे और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ हो इसके लिए, जिससे पूरे पुराने भोपाल का पार्किंग जो है अच्छा हो जाएगा। नालों के ऊपर जितनी दुकानें बनी हुई है नगर निगम के आदेश हैं वो शीघ्र हटेंगे, जैसे 12 नंबर के पास है अपना कुछ मकान और जब मकान बने हुए हैं, इन सबकी जो है शिफ्टिंग का प्लान बन चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारे भी जितने नाले हैं, नालों के ऊपर जो मकान बने हुए हैं वो सब मकान टूटेंगे और उनको लेकिन व्यवस्थित करेंगे देंगे कई जगह। ये है तेज कवरेज।